हेलो डियर स्टूडेंट्स, डेली आप लोग देख रहे होंगे कि रिज़ल्ट आज आ रहा है, रिज़ल्ट कल आ रहा है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा, तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो बच्चे तैयार रहते हैं। मैंने बताया था कि रिज़ल्ट आपका अगस्त के लास्ट वीक तक आएगा, तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके ये बताया कि नहीं, 9 या 10 अगस्त में 100% रिज़ल्ट आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे चैनल पर किसी तरीके की कोई अपडेट दी जाती है तो वो यूं ही हवा में नहीं दी जाती है। अभी लेटेस्ट की मैं बात बताता हूं, IBPS क्लर्क का एडमिट कार्ड मैंने बताया था 16 अगस्त की इवनिंग में आएगा। आप चेक कर लीजिए, वीडियो पड़ी है, बताया था 16 की शाम को आएगा, 16 की शाम को ही आया था एडमिट कार्ड। तो हर अपडेट एनालिसिस के बाद होती है। जनरल कैटेगरी की सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं, 67 से 68 के बीच में रहने के चांसेस हैं। अगर OBC की हम बात करें तो OBC में इससे एक दो नंबर आपको कम देखने को मिल जाएंगे, 65 से 66 के आसपास, 65 to 66 के आसपास देखने को मिल सकती है। EWS की अगर हम बात करें तो ये लगभग मैक्सिमम एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि OBC और EWS की सेम ही रहती है, तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं 63-64 के आसपास रहने के चांसेस हैं, क्योंकि OBC में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल करे गए हैं, वैकेंसी भी शायद सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ कट ऑफ हाई रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो ये आपको 59 to 60 देखने को मिल सकती है। मेजर यही कैटेगरी लेकर मैं चल रहा हूँ। रिज़ल्ट के लिए मैं कोई इसमें न्यू अपडेट नहीं है, मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसीलिए बहुत दिनों बाद वीडियो आई है। लेकिन कुछ रूमर्स इस तरीके से फैल रखी हैं, डेली वीडियोस बनती हैं, डेली आप लोग देखते हैं, टाइम ख़राब करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगा रिज़ल्ट। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ही आ जाएगा, नहीं, लास्ट वीक तक जा सकता है। पहले आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको अगस्त के लास्ट तक 100% रिज़ल्ट मिल जाएगा। कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें आप लोग, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बताया जाएगा। चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, ध्यान रखें अपना, बाय।